बाजार में एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो भी बीईओ कार्यालय का गोदाम बनकर रह गया है। स्कूल भवन में सांप और बिच्छुओं का बसेरा है, जिससे बच्चों और पार्कों में दहशत का माहौल है। दरअसल स्कूल के पीछे एक साल से बीईओ कार्यालय का सामान पड़ा हुआ है, जिसमें दीमक लग गई है और बदबू आ रही है, लेकिन स्कूल ने अब तक साफ सफाई नहीं कराई है। इस मामले में पालकों ने कलेक्टर और मंत्री से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ज्यादा कचरा रहेगा तो सांप भी दूसरे निकलेगा ही। उसको साफ सफाई के लिए बोले हैं, लेकिन अभी नहीं थे तो सारा सब कितने दिन हो गए बोलते हैं और कब कब निकलता है? निकलता है जैसे हम लोग साफ सफाई करते रहते हैं, कभी कभी उस दिन भी निकला था, कल है शायद, कल ही निकला था। डर लगता है और अगले साल से रूम साफ नहीं हुआ है और निकलता है साफ बिच्छू। कल ही बिच्छू निकला था तो सर उनको मार के फेंके थे। जैसे आप लोग खेलते रहते प्रांगण में, तो इसी दिन भी बिच्छू आ जाते हैं और वो इसी स्थिति में आप लोग कैसे करते हैं? खेलते रहते तो आ जाता है तो सर वगैरह को बताते हैं। जगह तो नहीं थी जब पिछले साल आए थे और ना सांप बिच्छू भी निकलते थे और उस साल हम लोग को खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता था और पानी लेने भी जाना पड़ता था। कोर्ट और ये भी ऑफिस जाते थे हम लोग। अभी जस्ट बगल रूम में उतर